हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गुलमर्ग में जब भी आप आते हैं तो आप एक द्रंग वाटरफॉल है जो कि आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। हम लोग टनमर्ग में रुके हैं और वहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर ही है, तो हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। और नज़ारे देखिए आप हमारे पीछे कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहे हैं इस समय। हम तो अपनी गाड़ी से आए हैं तो हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अदरवाइज आप अगर गाड़ी से नहीं आते हैं तो आप कैब बुक करके आ सकते हैं या फिर आप ATV राइड लेके भी आ सकते हैं, जो कि एक बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं द्रंग वाटरफॉल। द्रंग वाटरफॉल बढ़िया। मज़ेदार जगह। तो भाई हम लोग निकल गए हैं और इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है इस समय और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि कान वान देख रहे हैं आप एकदम लाल हो गए थे। हम लोग का मन तो बहुत कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा मैगी वैगी खाएं, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, बट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ठंड, क्योंकि विंड भी तेज़ और साथ में स्नोफॉल हो रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्नोफॉल कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो भाई हम लोग आ गए हैं टंगमर की मार्केट में। अभी बस हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है और आप बस नज़ारा देखिए। काफ़ी सारी शॉप्स और बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तेज भूख लगी है, बढ़िया खाने से स्मेल भी आ रही है, बहुत ज्यादा तेज और इतनी ज्यादा तेज भूख लगी ना, बस फटाफट खाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और अब हम आपसे मिलते हैं सीधा गुलमर्ग पे। यस कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस अब हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल रहे हैं और ये है हमारा स्टे जहाँ पे हमने रहे थे कल और आज भी रहेंगे। इसका नाम है एवरेस्ट गेस्ट हाउस। काफ़ी अच्छा है, हीटिंग ब्लैंकेट्स भी हैं यहाँ पे और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे वैसे भी हीटर दिया हुआ था, गैस हीटर, जो कि काफ़ी अच्छा था क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। तो हम लोग गुलमर्ग जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी, और अभी हम लोग यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था जहाँ पे हम रुके हैं, इतना ज़्यादा सुंदर है। हम यहाँ पे ड्रोन शॉट नहीं उड़ा सकते बिकॉज़ ये पूरा बॉर्डर एरिया है। ये एक्चुअली में यहाँ का एकदम बोल सकते हैं जो आप एकदम बॉर्डर के एकदम बॉर्डर लाइन पर हम लोग चल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से अलाउड नहीं है। बट ये है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू है। और अभी तो हम लोग गुलमर्ग पहुँचे नहीं है, फिर इतना ज़्यादा अच्छा व्यू है। गुलमर्ग पहुँच के तो पता नहीं कितना ही ज़्यादा अच्छा व्यू होगा, बट बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग वैसे तो पहले अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे थे, बट यहाँ पे ना पूरी रोड पे ब्लैक आइस जमी हुई है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ही रिस्क लेना, क्योंकि हमको भी सेम गाड़ी से वापस भी जाना है पूरा अपना दिल्ली तक। तो हम लोग ने सोचा कि इससे बढ़िया बुक कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और 2500 में आपको फिर कोई टेंशन भी नहीं है, 2500 रुपीज़ लेते हैं, लेके जाते हैं, लेकर वापस आते हैं,
तो काफी अच्छा डील था ये। आ गए हैं हम लोग गुलमर्ग और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ हो रही है हर तरफ। यहाँ पे घूमने के लिए हमने स्लेज ली है जिसका कुछ 5-6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट का कुछ वैसे तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे लेकिन कुछ बातचीत करके मतलब 2000 रुपीज़ में बताया है उन्होंने। तो देखते हैं वर्थ है कि नहीं है। अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है और अभी हम अपने पहले पॉइंट पर आए हैं जो कि है गोल्फ कोर्स पॉइंट। यहाँ पे ये देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ है। खाने पीने का अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, अपना मैगी वैगी ये सब चीज़ें आराम से खा सकते हैं, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं और स्की वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल तो। बाकी देखते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं, अभी पता चलेगा जितना जितना हम आगे की तरफ जाएंगे। एंड में पता चलेगा कि वर्थ है भी कि नहीं 2000 रुपीज़ पर हेड। तो देखते हैं दीदी ओवरटेक करते हुए। ये इधर आ जाना, इधर इधर अब क्या हो यार। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चर्च जो है सेकंड पॉइंट हमारा आज के लिए। मज़ेदार भाई, थोड़ा सा अभी चलने में ना इतनी ज़्यादा थकावट होती है क्योंकि ठंड है और ठंड में थोड़ा ऑक्सीजन तो मतलब कम हो ही जाता है, बट स्लेज करना सबसे सही है ताकि इंजॉय कर पाएं। और ये रहा चर्च जो हम अभी आपको पास से दिखाएंगे। खतरनाक स्लेजिंग। ओए होए होए होए, वो मोटू आ रही है। गुड 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 गुड, परफेक्ट। तो ये लोग फाइनली वापस आ चुके हैं और अब ये लोग वापसी अपने शूज में आने वाले हैं। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस का मजा लेते हुए बस उसी। लास्ट में तो नहीं गिरे ये लोग। मैं गिरा थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्पीड तेज हो गई थी। थोड़ा सा गिरा, ज्यादा कुछ नहीं, बस पीछे से रगड़ते हुए आए। पीछे से ऐसा स्केटिंग के साथ मैं ऐसे था। नाइस एक्सपीरियंस राइट, बहुत बढ़िया भाई। आराम करके भी इतना अच्छा लग सकता है
हमें नहीं पता था। बहुत ज़्यादा थकावट होती है ये स्की करने में, मज़ा तो आता है बट थकावट भी उतनी ही ज़्यादा होती है। शूज़ भारी रहते हैं? हाँ शूज़ बहुत भारी होते हैं, शूज़ भाई बहुत भारी होते हैं चलने के लिए। ऊपर से इतना मतलब इतना ठंड में वैसे भी जो है सांस वांस लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा लगने लगता है, तो बाद बाद फिर प्यास लगने लगती है, तो ऐसा है। और काफ़ी अच्छा लगा, 2000 रुपीज़ पर हेड था विद ट्रेनर, आप जितना मर्जी कर पाओ, जितना आपका आपको लगे आप कर सकते हो। पक 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 ये धक्का लगा रहे हैं स्की करके, जहाँ यहाँ पे हम स्की कर रहे थे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ गए ऊपर। वो जो सामने उस तरफ आपको दिख रहा है वहाँ पे गंडोला चलती है, ये हमारे पास, हमारे को ना पता नहीं था इस वजह से हमने गंडोला की टिकट ऑनलाइन नहीं ली, बट आप जब भी आए तो ना कम से कम 10 दिन पहले लें क्योंकि सारे स्लॉट फुल हो जाते हैं। 3 स्लॉट चलते हैं सुबह 9 से 11, फिर 11 से 1, फिर 1 से 3, और तीनों स्लॉट फुल हो जाते हैं 10-10 दिन पहले। अगर आप कराएंगे तब जा कर के आपको कहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन होता ही नहीं है। और हम तो इतनी ठंड में आए कि हमें खल नहीं रही क्योंकि यहाँ पे पूरे में बर्फ ही बर्फ है देखिए हर तरफ, तो हमें तो खैर अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिल गया तो हमें उतना ज़्यादा नहीं खल रहा है। बट अगर आपको ऊपर जाने का मन हो तो आप हमेशा जो है ऑनलाइन प्री बुक करके आएँ, एटलीस्ट 10 डेज पहले, तभी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉप पे और देखते हैं क्या है आगे। ये देखिए ये हमारी बंदूकें तैयार हैं ताकि हमें जब भी मौका मिले तो हम मार पाए। उसको ऐसे उठा के इधर की तरफ ऐसे थक हार के मैगी खाने का जो मजा है अलग है, वो अलग है बहुत ज्यादा। इतनी बर्फ के बीच में दौड़ ज्यादा है। थक तो बहुत ज्यादा गए हैं इसलिए हमने मैगी ब्रेड ऑमलेट चाय वाय मंगवाई है ताकि यहाँ पे थोड़ा खाए पिए रेस्ट करें, फिर आगे देखते हैं क्या है सीन। तो भाई लोग ये था गुलमर्ग और हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ पे हमने पीछे पार्किंग में गाड़ी अपनी खड़ी करी थी, और काफ़ी अच्छा था, बहुत ही पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। कुछ नंबर्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जैसे हमारे गाइड का नंबर, अगर आपको यहाँ पे आके जो है ना गाड़ी रेंट करनी हो या कुछ भी करनी हो तो हो जाएगा। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मोस्टली फिक्स्ड ही रेट होते हैं, 2500 लेती है कैब जो आपको ऊपर लेके जाती है, नीचे लेकर आती है, 1000 रुपीज़ गाइड लेता है जो आपको वहाँ पर ना हर एक चीज़ में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं आपको ना 50-50 लोग घेर लेंगे कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो ऐसा करके, तो गाइड लेना थोड़ा सही भी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और वो फिर आपको थोड़ा टेक केयर भी कर लेता है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत सामान वामान है तो आप उसको दे सकते हो, अपना पकड़ लेगा ऐसे करके ना, तो ऐसी मतलब अच्छा होता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मतलब गाइड लेना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उसके अलावा अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे या तो श्रीनगर या तो पहलगाम, देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बन रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और वीडियो कैसी लगी है आपको ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है जो हमने मिस कर दिया कुछ बताया नहीं तो आप हमारे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं डिज़ायर ट्रैवल इंडिया, उसमें हम स्टोरीज रियल टाइम डालते हैं और रील्स वील्स भी काफ़ी डालते रहते हैं, काफ़ी फ़न होता रहता है उधर भी, तो आप फॉलो कर सकते हैं उस पर रियल टाइम अगर आपको देखना है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।